हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। इंटरनेशनल मार्केटिंग पेपर में यूनिट नंबर 3 प्राइजिंग चल रहा है अपना। तो हमने कल ब्रेक इवन पॉइंट मार्केट स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से हम अपने मूल्य निर्धारण विधि में एक ऐसे मूल्य को निर्धारित कर सकते हैं जिससे फर्म को अपनी लागत वसूलने का भी पूरा अवसर मिल जाए और उसे हानि भी ना उठानी पड़े। आज हम मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात बाजार अभिमुखी मूल्य निर्धारण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। मूल्य निर्धारण की इन विधियों में बाजार की परिस्थितियों, ग्राहक की आवश्यकताओं और बाह्य विपणन वातावरण की जरूरतों को ध्यान में रखकर मूल्य का निर्धारण किया जाता है। मतलब क्या होता है इसका कि कोई भी फर्म जब किसी उत्पाद का मूल्य निर्धारित करना चाहेगी तो वो बाजार की वर्तमान स्थितियों पर निर्भर करेगा। अब बाजार की वर्तमान स्थितियां कैसी हैं, वहाँ की कंडीशन कैसी हैं, ग्राहकों की वर्तमान आवश्यकताएं कैसी हैं और विपणन का जो एनवायरनमेंट है, ज़रूरतों के हिसाब से और बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से, मंदी का दौर है, तेज़ी का दौर है, तो ये सभी जो परिस्थितियाँ होती हैं इनके आधार पर कोई भी उत्पादक कंपनी अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करती है। व्हेनेवर योर ऑर्गेनाइजेशन इज अ सीजन वेटरन और एट अ वेरी अर्ली स्टेज, कोई भी उत्पाद या कंपनी जो होती है जब अपने उत्पादन के शुरुआती दौर से गुजर रही होती है तो उस समय उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है निश्चित करना कि वो अपनी प्राइस क्या रखे। इसके मायने कई मामलों में इसलिए भी है क्योंकि इस पर उसकी लोगों की जो मान्यताएं होती है किसी ब्रांड को लेकर वो जुड़ी भी होती हैं, कंपनी की गुडविल दाव पे लगी होती है और कंपनी की लागत और रेवेन्यू वो वसूलना चाहती है। तो ऐसे में उनके लिए कई बार ऐसी परिस्थितियां विकसित हो जाती हैं जब उन्हें मार्केट के आधार पर अपने प्राइस को सेट करना पड़ता है। कंपनी सोचती है हाउ यू प्राइस यू योर ऑफरिंग विल एब्सोल्युटली इफेक्ट योर बॉटम लाइन एंड रेवेन्यू, बट इट विल आल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन योर पोटेंशियल कस्टमर्स परसेप्शंस। मार्केट बेस्ड प्राइसिंग इज अ यूजफुल मेथड फॉर न्यूली इमर्जिंग कंपनीज एंड प्रोडक्ट्स। अब न्यूली इमर्जिंग जो नई नई विकसित होने वाली जो फर्में होती हैं उनके लिए प्राइजिंग का जो मूल्य निर्धारण का जो तरीका है वो मार्केट ओरिएंटेड होगा तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। अब इसीलिए वो मार्केट ओरिएंटेड प्राइजिंग वाली जो व्यू रचनाएं हैं उनका इस्तेमाल करके अपने उत्पाद का मूल्य निश्चित करती है। अब मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग में मूल्य निर्धारण करने के लिए वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करती है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा। मार्केट बेस्ड प्राइसिंग अपने प्रोडक्ट के लिए निकालने के लिए एक प्रोडक्ट का कॉस्ट डालेगी और अपने प्रोडक्ट कॉस्ट के प्लस करके मार्केट फैक्टर प्राइस, ये मार्केट में जो उसी प्रकार के उत्पाद की रेट चल रही है और अपना प्रीमियम जोड़ के अपने उत्पाद का वो मूल्य निर्धारित करती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको ये दे सकती हूँ, जैसे मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग का एक स्मार्टफोन बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं। आपको ये ध्यान होगा कि अभी जो कंपटीशन का टाइम है, इस टाइम बहुत सारी जो नामी गिरामी कंपनी है जो सिर्फ एवरेज से हाई लेवल की इनकम वाले लोगों के लिए स्मार्टफोन्स बनाती हैं, तो वे फर्में जब अब तो जैसे एप्पल, सैमसंग, गूगल और भी बहुत सारी कंपनियाँ स्मार्टफोन में आ गई हैं, तो इनमें से मोस्टली जो अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही होती हैं तो उस समय वो इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं कि उसी प्रकार के मार्केट में और किस कौन से फ़ोन आए हुए हैं और उन फ़ोन की प्राइस क्या है। बहुत मायने रखेगा उसके लिए, क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी प्रोडक्ट या मोबाइल फ़ोन की प्राइस उनसे कम दाम पर लॉन्च करेगी तो लोगों को लगेगा ज़रूर इसके फ़ोन में कुछ कमियाँ होंगी, अगर वो ज़्यादा पे रखेगी तो लोग वो खरीदेंगे नहीं, इसलिए वो बिल्कुल उन सिमिलर रेट्स पर अपने प्रोडक्ट को शुरुआत में लॉन्च करना चाहती है जो कि दूसरी फर्दर मार्केट में एट प्रेजेंट अवेलेबल है और उसके रेट जो चल रही है चाहे वो हाई हो चाहे लो हो, लेकिन कंपैरिजन के और कंपटीशन की वजह से उन्हें उसी रेट पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ता है। और जैसे जैसे वो प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाता है, लोगों का इंटरेस्ट उसमें डेवलप होने लगता है, धीरे धीरे वो अपने स्मार्टफोन की प्राइस को लो करने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों का परसेप्शन उनके फ़ोन के लिए पॉजिटिव होने लगता है, तब वो अपने मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस को लो करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाते रहते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट बेस्ड प्राइजिंग इज द सेल फोन मार्केट। देर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शन टू चूज लाइक एप्पल, सैमसंग, गूगल। दे ऑल आर सिमिलर इन फीचर्स बट ऑल्सो इन प्राइजिंग। द लेटेस्ट फोन्स हैव प्राइस पॉइंट्स, दे आर वेरी सिमिलर। अभी आप टीवी में और हमने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि जो जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, चाहे वो महंगे हो चाहे एवरेज रेट के हों, लगभग सारे ब्रांड्स अपनी सेम प्राइस ही लॉन्च करते हैं जब वो नए नए प्रोडक्ट या नए नए मॉडल को लॉन्च कर रहे होते हैं। अब फोन्स प्राइस विल ऑल्सो डिक्लाइन ओवर द टाइम ड्यू टू न्यू मॉडल्स और लैक ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन की कमियाँ या बहुत सारे मार्केट में एक जैसे प्रोडक्ट्स आ जाने की वजह से भी उनको अपने प्राइस को लो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वो मार्केट प्राइस में अपने प्रोडक्ट की रेट फिक्स रख देती है बहुत लंबे अंतराल के लिए, तो लोग उससे खरीदने के बजाय वो दूसरा फ़ोन खरीदेंगे जहाँ पर वही फ़ोन वही फीचर्स सस्ते दामों पर मिलेंगे। दिस वुड बी द कंपनी रिएक्टिंग टू द मार्केट। यही तरीका होता है कंपनी का रिएक्ट करना टू द मार्केट। ये सही समय होता है कि वो मार्केट के हिसाब से अपने उत्पाद के मूल्य को निश्चित करें।